ऑल राइट गाइस, गाइस पिछले वीडियो में बात की थी हमने एपीआई राउट्स पर, मैंने क्रिएट किया था हमने ब्लॉक एंड कंटेंट के कुछ एपीआई राउट्स जहां पर हमने जेसन को एज अ डीबी इंप्लीमेंट किया था। आज की वीडियो में बात करेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में, देखेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, कैसे नेक्स्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप को स्टार्ट करूंगा, तो इसको मैं रन करता हूँ फास्ट। तो अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल, जिसमें स्टेट डेटा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, फेकर जेस से, ठीक है। तो हमने कुछ एपीआई राउट्स क्रिएट किए थे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश ब्लॉक। सो हमारे पास कुछ इतने डेटा दिख रहा है जिसमें ब्लॉक के नाम से की है, जिसके अंदर एक एरे है, टाइटल एंड स्लग नाम से कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस डेटा को अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर शो कराना है। इससे कराना है सर्वर साइड रेंडरिंग से, यानी कि SSR से। कैसे करते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर एक फंक्शनलिटी है कि आप कंपोनेंट को डायरेक्ट एसिंक कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस कंपोनेंट को डायरेक्ट एसिंक मार्क कर सकते हैं, सिंपल कर दिया ASYNC, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या होंगे, आपका सर्वर साइड होता है, मतलब कि जितनी फाइल्स हैं आपके पास, ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सर्वर कंपोनेंट होती है। अब इसके अंदर आप एसिंक लिख दिया, आप क्या डायरेक्ट आप सर्वर कोड देते हो, मैंने लिखा क्या, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, क्योंकि एसिंक लगा रखा आपने, अवेट यूज करते हो, फिर फैच, ठीक है। अब फैच के अंदर आप ऐसा नहीं रखते, आपने स्लैश दे दिया, स्लैश एपीआई स्लैश ब्लॉक ऐसे नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि आप अगर क्लाइंट कंपोनेंट काम करते हो, वहां पर क्या होता है कि आपको एपीआई स्लैश ब्लॉक का तो यूर मिल जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, विंडो ऑब्जेक्ट ले लेता है। बट यहाँ क्या करता है, यहाँ पर कोई विंडो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो इसके लिए आपको फुल यूआरएल देना पड़ता है। तो फुल यूआरएल देते हैं अभी, ये इसको कॉपी किया एंड दैट्स इट, या पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर इसको देते हो एंड इसको लॉक करते हैं, डेटा क्या आता है, सो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट ऑफ रेस्पॉन्स डॉट जेसन। इस तरीके से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर इस डेटा को प्रिंट किया जाए कि डेटा में आता क्या है, हम लॉक कराते हैं टोल डॉट लॉक इस तरीके से, और इसको हमने प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। एनसी क्या मिलता है, सो एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे हम अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे मिलता है हमें डेटा जिसमें ब्लॉक्स मिल रहे हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। यही हमें वहां मिल रहे थे, कहाँ पर, यहाँ पर। अब क्या करना है, इस डेटा को हमें यहाँ प्रिंट करना है। अगर अभी हम बात करें, क्या कोई रिक्वेस्ट गई, अभी हम रिक्वेस्ट की थी किसमें, लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश ब्लॉक्स पर, क्या कोई रिक्वेस्ट गई है हमारे पास, तो देखते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके रिक्वेस्ट कहाँ देती है, नेटवर्क टेक के अंदर। अगर यहाँ देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, देन यू सी यहाँ पर आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है, ठीक है। अगर हम चेक करें इसके अंदर कि इस पेज के अंदर क्या आ रहा है, तो चेक करो तो यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है, कौन सा स्टेट वाला। मुझे क्या करना है, इस डेटा को लाना, कौन से वाले को, इस डेटा को यहाँ पर लाना है, इन जगह। तो करते हैं, अब हमें पता है डेटा के अंदर की आ रही किस नाम से, ब्लॉक नाम से। तो हम क्या बोलेंगे, डेटा के अंदर की आ रही ब्लॉक नाम से, इसको लो और डॉट ब्लॉक, ठीक है। जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से इटरेट होगा, डेटा मिल जाएगा। देखते हैं क्या हमें मिलता है, हाँ हमारे पास दो ही ब्लॉक है, तो दो ब्लॉक मिल रहे हैं, इनके साथ डेटा चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डेटा आ रहा है किसमें आ रहा है, सीट के अंदर, सी डॉट टाइटल, दैट्स इट, ओके। अगर हम देखें अभी तो क्या मिल रहा है हमें, वही मिल रहा है, लर्न जावास्क्रिप्ट एंड लर्न। एक काम करते हैं, स्लग भी लेते हैं, स्लग क्या आ रहा है हमारा, लर्न पाइथन का स्लग आ रहा है, लर्न जावास्क्रिप्ट स्लग आ रहा है, तो इसको भी गेट करते हैं। तो ब्लॉक के चलते हैं एंड देखते हैं स्लग गेट हो रहा है, हाँ स्लग गेट कर रखा है प्रॉपर स्लग से। तो क्या करेंगे, स्लग की भेज देंगे यहाँ से, ठीक है, स्लग भेज दिया हमने SLUG इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ भेज देंगे हम सिंपल सा सी डॉट स्लग, ठीक है, गुड। अगर अभी हम चलते हैं कि हमें कुछ डेटा दिखता है, सो क्लिक किया हमने, तो यहाँ देखोगे हार्ड रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर दबाना, जिससे क्या वो हार्ड रिफ्रेश होगा, तो यहाँ पे आ चुका है। बट अभी यहाँ देखो क्लिक किया हमने, तो ये क्या होगा, वहाँ पहुंच जाएगा। एक चीज गौर करना कि जब हम इसके इंस्पेक्ट में चलेंगे तो क्या मिलता है, इंस्पेक्ट चलते हैं और नेटवर्क चलते हैं, नेटवर्क इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर पेज आया पेंडिंग रिक्वेस्ट में, अब पेंडिंग में आया, देखो यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर कोई भी आपकी एपीआई हिट नहीं हुई है, लाइक एपीआई कौन सा होगा, ब्लॉक वाला, यहाँ कोई हिट नहीं हुआ, बट इस पर क्लिक करते हो देन यू सी यहाँ पर पेज पे आपको मिलता है लर्न पाइथन ब्यूटीफुल, जो भी आपका डेटा मिलता है आपको, ठीक है। अब बात किया डेटा क्यों मिल रहा है आपको, तो देखो ये क्या सर्वर से आ रहा है, यहाँ क्या करना है, अब देखो हमने फेच किया, मैं आपको बता रहा कि कंट्रोल यू करते हैं इसको, अगर इसको कंट्रोल यू किया जाए इस डेटा को, इस वाले को नहीं, इस वाले को, इस वाले को, होम पे आते हैं दोबारा, अब करते हैं कंट्रोल यू। देखो यहाँ पर देखोगे आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखो ये मिलता है जैसे कि लर्न जावास्क्रिप्ट एंड लर्न पाइथन मिल जाएगा, तो ये आपका डेटा क्या मिलता है, आपको सर्वर से मिलता है ऐसा HTML फॉर्म में। आपकी वेबसाइट क्या, जो आपका एपीआई पॉइंट पर था वो रेटिंग कर रहा था जेसन, बट उसको कन्वर्ट कर दिया किसने, इसके अंदर, किसके अंदर कर दिया, एक HTML के अंदर। तो ये आपका फायदा होता है सर्वर साइड रेंडरिंग का। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को ऐसी फ्रेंडली बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ देख सकते हो लर्न पाइथन लर्न जावास्क्रिप्ट ये चीज आ चुकी है, इसको क्लोज करते हैं। एंड अब बात करते हैं कि अब इसके लिए कैसे कर सकते हैं। अब तो मान लो हमने सिंगल पेज के लिए किया, जहाँ पर हमें सारे ब्लॉक्स पेज के लिए, अगर इसके लिए करना हो तो कैसे करेंगे,
वही सेम काम मैंने बताया था उसको, इसको क्लोज करते हैं, इसको कॉपी वाले पे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से इसको मैंने किया सिंपल सा कॉपी। और हाँ चाहे तो इसको फंक्शन में कॉल कर सकते हो। एंड सेकंड चीज बताऊँ, अभी क्या डेटा आपका कैच में स्टोर हो गया, कैच मतलब एक मेमोरी जहां पर आपका डेटा पूरा पूरा स्टोर हो गया। अगर इसको दोबारा रिफ्रेश करोगे तो आपको ये डेटा मिलना है, ठीक है। तो आपको क्या कहना है उससे, फोर्सफुली कहना पड़ता है उससे कि भाई एक काम करो तुम कैच में स्टोर मत करो, क्यों? क्योंकि अगर डेटा हमारा चेंज हुआ है सर्वर से तो उसको वो लेके आओ। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आपको देना क्या कुछ ऑप्शन पास करें, लाइक आपको पास करना है कैच, कैच लिखना आपको, और सिंपल बोला नो कैच मतलब स्टोर मत करो कुछ भी तुम। सेकंड थिंग रीवैलिडेट करना, रीवैलिडेट मतलब कि आपको कहना है कि भाई जब मैं पेज में दोबारा आऊँ तो वैलिडेट करो कि डेटा है कि नहीं। अगर मान लो वहाँ चेंजेस हुए और यहाँ चेंजेस नहीं हुए तो मुझे तो दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि वहाँ चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए बट यहाँ नहीं हुए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इससे, बोलोगे क्या रीवैलिडेट? तो बोलोगे पहले नेक्स्ट, बोलोगे नेक्स्ट के अंदर कुछ चीजें मिलती है, अगर यहाँ देखोगे तो इतनी सारी चीजें मिलती है जैसे कि रीवैलिडेट और टैग, बोलेंगे क्या ट्रू इस तरीके से, बस यही देना आपको कुछ नहीं करना। इसी को बोलते हैं आई एस आर, जो होता है ना आई एस आर बोलते हैं जो, ठीक है। क्लोज करते हैं इसको एंड चलते कॉपी करते हैं इसको, इसको लेना है और ये चलते हैं इसमें सिंगल आइटम में, यानी कि हमारा था क्या ब्लॉक के अंदर स्लग वाला था, इसके चलते हैं पेज डॉट जेएसएस में और सेम को यहाँ कॉपी करते हैं। मेक श्योर करना कि आपका कंपोनेंट सर्वर होना चाहिए। अब मालूम किस पड़ेगा सर्वर कंपोनेंट है कि क्लाइंट कंपोनेंट है, मैंने बताया कि क्लाइंट कंपोनेंट के लिए आपको यूज क्लाइंट ऊपर एक डायरेक्ट लगाना पड़ता है, बट यहाँ नहीं लगाना आपको, यहाँ सिंपल रखना जैसा था बाय डिफॉल्ट जैसे चल रहा है चलने दो उसको, ठीक है। एसिंक कर दो, ये भी काम करेगा। अब यहाँ पर आपको परम्स गेट करना है, परम्स मतलब कि जो आपका डेटा आ रहा था वो गेट करना है। तो आप क्या करो प्रॉप्स के अंदर पता परम्स नाम की मिलती है, आप क्या बोलोगे यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से स्लग लिया आपने और ठीक है इसको लेते हैं, इसको क्लोज किया हमने और इसको भी इस तरीके से, ठीक है सेम। और ब्लॉक्स के अंदर बोल दो क्या प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट स्लग, इस तरीके से ले लिया। अब ये डेटा आ जाएगा, इस डेटा की जगह यहाँ पर प्रिंट कर दो, कैसे करोगे से, ओके ये हमारा किसमें चला गया, ओके हमने गलत कर दिया, हमें ब्लॉक के अंदर करना था बट ये सही है, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी करना ही था हमें, और इस डेटा को यहाँ प्रिंट कर लेंगे, कैसे करेंगे डेटा इस तरीके से, ये सारे ब्लॉक्स थे जो हम फेच करते हैं, डेटा ले लेंगे जिसके अंदर ब्लॉक नाम से की है डॉट टैट डॉट ब्लॉक, और यहाँ पे क्या करेंगे टैट भेजेंगे क्या एक स्लग भेजेंगे और उसके बोल देंगे क्या सी डॉट स्लग, इस तरीके से ठीक है। रखते हैं इसको तो क्लोज करते हैं एंड दोबारा आते हैं कहाँ पर अपने स्लग वाले पेज में, कहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ क्या करना है सिंगल आइटम फेच करना है, तो हम क्या बोलेंगे इसको एसिंक कर लेंगे इसको भी, ठीक है ओके। रेस्पॉन्स हो गया, डेटा को लेते हैं, डेटा के अंदर क्या आ रहा है टाइटल आ रहा है हमें पता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे लोकल होस्ट 3000 ब्लॉक स्लैश ए पे स्लैश ब्लॉक तरीके से, और लर्न पाइथन इस तरीके से कुछ था एल ई ए आर एन पी वाई टी एच ओ एन तरीके से लिया, ठीक है। यहाँ देखोगे तो हमें लर्न पाइथन सर्वर डेटा मिलना चाहिए, तो देखते हैं क्या ये मिलता है कि मिलता है, देखो मिल रहा है। तो डेटा हमें क्या करना है अपने दिखाना है, ठीक है डायनेमिक ओके। तो इसको कॉपी कर लेंगे पाथ को एंड चलते कहाँ पर या लिया प्रॉप्स के अंदर आ रहा होगा पता है, तो हम क्या बोलेंगे किस तरीके से आ रहा है प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट स्लग इस तरीके से आ रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और सेम फॉर देट, अब डेटा आ जाएगा, डेटा के अंदर इसको क्लोज करते हैं इसको भी और इसको यहाँ पर। तो अगर देखेंगे तो ये क्या स्मॉल में आ रहा है, तो हम कहते हैं इसको बड़ा करना चाहते हैं तब अपर केस, तो हम बोलेंगे क्या इस तरीके से डेटा के अंदर से आ रहा है ब्लॉग नाम से की आ रही है ब्लॉग, इसके अंदर क्या आ रहा है ये आ रहा है आ रहा है टाइटल, टाइटल आ रहा है। इसको स्प्लिट कर दो किससे स्पेस से, ठीक है स्पेस स्प्लिट कर दिया क्या आ जाएगा एरम टूट जाएगा, इसके बाद क्या बोलेंगे मैप कर दो इसको, मैप करने के बाद सी में आ जाएगा, सी के अंदर क्या बोलेंगे सी डॉट कैर एट, ठीक है कैर एट का जीरो तो इंडेक्स, ठीक है उसको क्या करो टू अपर केस कर दो अपर केस तरीके से एंड दैट्स इट अपर केस हो जाएगा। प्लस कर दो किससे सी डॉट सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग विच इज वन से स्टार्ट होगी और दैट्स इट, इसको अगर ज्वाइन कर दो पूरे एरे को किससे कर दोगे स्पेस से, ठीक है। एंड अगर अभी हम देखें क्या एक काम कर रहा है एक्चुअल में, तो लर्न पाथ में क्लिक किया तो मुझे लर्न पाथ मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है बट वो मुझे बड़ा क्यों नहीं मिल रहा, यानी मेरा था हाँ मिल रहा है मेरे को, ठीक है। सेम फॉर देट यहाँ करें डिस्क्रिप्शन कंटेंट को प्रिंट कर देंगे विच इज डेटा डॉट ब्लॉक डॉट कॉन्टेंट, डेटा डॉट ब्लॉक डॉट कॉन्टेंट इसको लेंगे कॉपी करेंगे इसको एंड सेम फॉर देट यहाँ से सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है लिया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना, यहाँ क्या करना है डेटा डॉट ब्लॉक डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। अगर यहाँ आते हैं तो हमें कॉन्टेंट मिल रहा है क्या, हाँ कॉन्टेंट मिल रहा है सही बात है, ठीक है। अब एक चीज बता दूंगा आपको, ये तो था हमारा सर्वर साइड का,
ठीक है, सर्वर रिलेटेड काम किया। अब आपने देखा होगा जब हम कोई भी यूज इफेक्ट यूज करते हैं या फिर कोई भी हम यूज करते हैं वहां पर हम एरर मिल रहा था क्या, कि आपको अगर यूज करना है तो आपको यूज क्लाइंट डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। बट मैं अगर यूज क्लाइंट लगा दूंगा तो सर्वर कंपोनेंट ना रहकर क्लाइंट कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि मेरा क्लाइंट कंपोनेंट भी काम करे और मेरा सारा काम भी करे। अब मान लो मुझे एक फंक्शन इंप्लीमेंट करनी है, क्या कि देखो लर्न पाइथन पे आ गया, मुझे एक बटन लगाना है जहां पर क्या गो बैक का, मतलब तुम बैक हो जाओ, मुझे क्या गो बैक बटन लगाना है। अब गो बैक बटन लगाना तो हमें यूज राउटर यूज करना पड़ेगा। अब यूज राउटर कहां से आएगा, नेक्स्ट नेविगेशन से। बट दिक्कत ये कि वो क्लाइंट साइड काम करेगा, ऐसे में क्या काम करूंगा। तो एक काम करो, तुम क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करो। ठीक है, तो कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ पर आपने क्रिएट किया कंपोनेंट जिस गो बैक नाम पे, जो क्या करेगा फंक्शनलिटी गो बैक अचीव करवाएगा। मैं अब बोले क्या गो बैक इस तरीके से डॉट जेएसएक्स, और इसको लिखते क्या आर एफ सी क्रिएट अर फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, इस तरीके से लिखा। इसको रिमूव करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, हम सिंपल यूज क्लाइंट कोड लिखते हैं जो हमें क्लाइंट साइड वर्क करेगा। हमने बोला क्या बटन, बटन क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने क्या बोला सिंपल सा, भाई देखो सिंपल सा तुम क्या गो बैक हो, मतलब तुम्हें गो बैक क्या काम करना है। तो हम बोलेंगे पहले तो यूज क्लाइंट लगाएंगे, यूज क्लाइंट एंड दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है, हमें इम्पोर्ट करना है कुछ चीज़ें, कहाँ से करनी है, नेक्स्ट नेविगेशन से, फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन से, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, यूज राउटर होता है कुछ, हाँ यूज राउटर होता है, यूज परम भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करना है, सिंपल बोलना है, क्या करना है सिंपल, राउट का इंस्टेंस क्रिएट करना है, होस्ट राउटर इक्वल्स टू दैट। ठीक है, इस तरीके से, और राउटर डॉट बैक करना है, ऑन क्लिक राउटर डॉट बैक, इसको लेना है आपको, और सिंपल इस बटन को यहाँ पेस्ट कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे, ये आपका एरर नहीं देगा एक बार, टेंशन मत लो एरर नहीं देगा एक बार। कर लेते क्या बटन, फिर गो बैक लेते हो, गो बैक यहाँ आओगे एंड सी यहाँ पे बटन मिलता है कि नहीं मिलता, अभी तक तो नहीं मिला, बट एक बार रिफ्रेश करूंगा, या मिल चुका है। अगर इसमें क्लिक करूंगा देन यू सी क्या मिलता है, हमें हमें पहुंच रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, सर्वर कंपोनेंट देते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसको डाल सकते हैं, हमारा काम भी कर रहा है। अगर देखोगे यहाँ पे होम पे आते हैं दोबारा, लर्न पाइथन जावास्क्रिप्ट क्लिक किया, पेज वो डेटा, और हमें ये डेटा मिल चुका है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे उसको पहचानते हैं कि सर्वर साइड रेंडरिंग हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर आओ, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, किसी भी पेज का सोर्स दिखता है ना, जैसे नेटवर्क जो आपको पहला पेज दिखता है ये वाला लोकल, उस इस पर देख लो आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, रिव्यू करोगे तो डेटा मिल रहा है आपको, कहाँ से मिल रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सर्वर में कभी कभी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती, मान लो ये मेरा जो राउट था, एंड पॉइंट था, ये खराब था, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा था। चलते पेज के अंदर, तो मैं इसके अंदर आऊंगा पेज के अंदर और सबको क्लोज करूंगा। मान लो ये राउट था मेरा गलत था, ठीक है, इस नाम से कोई राउट नहीं है, ठीक है, सिंपल से नहीं है राउट। अगर मैं इसको हिट करता हूँ, अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो मुझे एक मिलता है फैच एरर। ठीक है, अब फैच बिल्ड है, अब इसको क्या करें भाई ऐसे में, तो हम क्या करते हैं इसको रिजोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, ट्राई कैच की मदद से कर लेते हैं इसको। तो ट्राई कैच लगा सकते हैं आप इजीली, एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो उसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि डेटा आपने इस तरह ले दिया, ये तो आपका हो गया सिंपल कि आपने एपीआई रिक्वेस्ट की वो गलत हो गई। सेकंड थिंग, मान लो कि आपने यहाँ पर रैक, मान लो कि डेटा था ब्लॉक्स था, यहाँ पर जो ब्लॉक नहीं ब्लॉक्स था, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर एक एरर देगा। एक बार क्लोज करोगे, एक बार रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर एरर आता है कि नहीं आता, तो देखो एरर आ रहा है आपको, ये आपको एरर यहाँ दिख रहा है। सेकंड, यही एरर आपको कहाँ दिखेगा, टर्मिनल के अंदर आपको ये एरर ना तो यहाँ दिखेगा, कहाँ पे, इंस्पेक्ट के अंदर जाओगे, कंसोल के अंदर, ये एरर आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखेगा। आपको ऐसा भद्दा सा एरर दिखाएगा जो एरर आपका काम का ही नहीं रहेगा, ये बोलेगा अनडिफाइंड रीडिंग मैप मेटर मैप, और ये आपको बताएगा कि ये एरर एक्चुअल में है कहाँ पे। ठीक है, और दिखाए तो कोई बात नहीं, बट ये दिखाएगा नहीं, यहाँ पर दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये कहीं दिखाता। सेकंड थिंग क्या कर सकते हो, इसको रिजोल्व करने के लिए सिंपल यहाँ पे आना है और इसको सही कर देना। बस, तो आप एरर आपको कम, बहुत कम मिलेंगे देखने को, बट मिलते हैं तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, इस डेटा को कंपोनेंट अंदर पास कर सकते हो और यूज कर सकते हो इसी तरीके से। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया कि सर्वर रेंडरिंग क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट किया थी नेक्स्ट जेएस के अंदर। सो अभी इस वीडियो में रहती गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों शेयर कर लो, एंड प्लीज को एक्सेस कर लो। सो अभी इस वीडियो में रहते गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी नेक्स्ट टाइम।